नरसिंहपुर जिले में जबलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार कुशवाहा ने आज जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला अपराध से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों की जानकारी को दुरुस्त रखा जाए और उन पर लगातार नजर रखी जाए। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों में पुलिस की तैयारियों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि गरबा आयोजक और देवी पंडाल आयोजन करने वालों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हिदायत दी गई है। इसके साथ ही पुलिस की गश्त भी तय की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। हम ये देखे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अपराधों में किन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, किसमें कटौती हुई है। बढ़ोतरी हुई तो क्यों हुई, क्या कारण थे, उस पर हम समीक्षा की है। और जो पेंडिंग अपराध गंभीर है, खासतौर पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या लूट या डकैतियां, इस तरह के जो अपराध होते हैं, महिला संबंधित जो गंभीर अपराध है, उनमें जो नहीं निकल पा रहा है, क्या हम और प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम उनको जो अपनी जो हमको टिप देना होता है हम देते हैं और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आज जो है विशेष तौर पर हमने जो आने वाली नवदुर्गा त्योहार है, इसमें गरबा स्थलों पर खासतौर पर जहां जहां देवी माता है बैठेंगी, वहां पर जो महिलाएं और बच्चियां सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए हमने कहा अधिक से अधिक गश्त करने के लिए रखा हुआ है। और उन देवी मूर्तियां जहाँ बैठी है उनमें वहाँ के जो आयोजकों को कहा गया है कि भाई वो लोग खुल रहे ताकि कोई भी ऐसी अपरिस्थिति न निर्मित हो। सुबह जब माताएं जब जाती हैं, बहनें जाती हैं चढ़ाने के लिए जल कई मंदिरों में, उसमें भी वहाँ मॉर्निंग गश्त करने के लिए हमने